हेलो सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपकी अपनी मन्नत से दीजिए, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो सच्चाई की बात मन्नत के साथ में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो आज क्या है, आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हमारा एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन है ब्लूमिंगडेल में। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ और मैं आपको अपना कॉस्ट्यूम दिखाती हूँ, ये देखिए। क्योंकि हमें मतलब जो हमारा पूरा ग्रुप है तो वो सेफ्रन वाइट ग्रीन कलर के कॉस्ट्यूम में है, तो मुझे वाइट मिला है, ये देखिए कितना अच्छा है ना। और ये ज्वेलरी, और हमें इसके ऊपर ये ट्राई कलर वाली पगड़ी भी लगा ली है, कितना मस्त है ना। मुझे वाइट साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इस कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब थोड़ी देर बाद, अभी हम जब ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम रेडी होंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम जाएंगे ब्लूमिंगडेल में, और वहाँ पर और भी स्कूल आएंगे अपने सिंगिंग के बच्चों को लेकर, क्योंकि ये CBSE की साइड से कोई ऐसा सिंगिंग कॉम्पिटिशन है जो सारे स्कूल के ग्रुप करेंगे। तो ये हम अपने स्कूल से जा रहे हैं और भी स्कूल से आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद हम रेडी होंगे। तो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आपको अभी पता नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया था। देखो, मुझे याद आया कि हमें मेहंदी भी लगानी थी, तो फिर मम्मी ने जल्दी से मिर्ची कोन लगा के मैंने लगा तो दी, मंगवा के मैंने लगा दी। बट मैं अभी कैमरा खोला ही था वीडियो शूट करने के लिए, तो गलती से मेरे बाल आगे आ रहे थे, तो गलती से ऐसे करके मैंने कर दिया। और ये देख लीजिए, ये जो हल्के से इसके डॉट्स आपको बिगड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही मेरे यहाँ पर पूरा लग गया था। तो मैं जल्दी से भागी, मैंने फ़ोन रखा, फिर मैं जल्दी से भागी और मैंने उसको गीले कपड़े से थोड़ा अच्छे से उसको क्लीन किया, वरना ये निशान पक्का यहाँ पर छप जाता। बट थैंक गॉड मैंने इसको जल्दी से इरेज कर लिया, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना मुझे। मैं वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन ही कर रही थी और फिर ये सब हो गया, और मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये देखिए। ओके गाइस, तो ये देखिए मेहंदी का कलर कितना प्यारा है, इस वाली हैंड को भी देखिए। तो मैं मम्मी से यहाँ हथेली पे भी लगवाने वाली हूँ, हथेली पे भी बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं मम्मी से हथेली पे लगवाऊँगी, कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। चलो मामा लगा दो प्लीज़ जल्दी से हथेली पे, ये देखिए मम्मी हथेली पे लगाएंगी। मम्मी प्लीज़ एकदम परफेक्ट सर्कल बनाना, कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके गाइस, तो हम रेडी हो गए, काफ़ी लेट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा मेरा लुक और ये रही मम्मी। अभी वहाँ पर जब वीडियो बनाएंगे ना, तब तो आप हमारा पूरा लुक देख लीजिएगा। चलिए, ये देखिए, ये रहा मेरा पूरा लुक, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए चलते हैं। ओके गाइस, सो हम दिखा रहे हैं कि हम ब्लूमिंगडेल स्कूल पहुँच चुके हैं। देखिए पोस्टर्स भी रखे हुए हैं, और ये हम ब्लूमिंगडेल के इस वाले एरिया में, जहाँ पर रेन शावर पार्टी होती है मे बी, तो हम एक बार रिहर्सल करने जा रहे हैं। ओके बाय। ओके गाइस, तो हमारी 5th परफॉर्मेंस है, और ये देखिए हम बैठी रही हैं, ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, तबला प्ले कर रहे हो ना? हाँ, ये तबला प्ले कर रहा है, और ये सब हमारे, देखिए हमारा पूरा ग्रुप है ये। चित्रांशी दीदी, तो हमारी परफॉर्मेंस 5th है और हम अपनी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो रही है, बट स्टार्ट होने वाली है। अभी हमारा हिंदी वाला जो परफॉर्मेंस था वो तो हो गया है, मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो डाल दूँगी। बट अभी हम लोगों का संस्कृत वाला परफॉर्मेंस भी होना बाकी है, तो संस्कृत वाले के लिए हम रेडी हो रहे हैं। हमारा 5th नंबर परफॉर्मेंस है संस्कृत में।
गाइस अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गाइस, अब पता चलेगा कि कौन है फर्स्ट। हम सबकी दिल की धड़कनें अभी भी बंधी हुई है। मदर्स पब्लिक स्कूल जीतने के बाद और ये सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी हासिल करने के बाद हम जा रहे हैं। ये लिखा है HPIS रॉक्स ईस्ट और वेस्ट, HP इंटरनेशनल इज बेस्ट। ये देखिए हम BDS से जा रहे हैं, ये है BDS मेरे पीछे, आप देख ही रहे हैं। ये है ब्लूम्स का एरिया, यहाँ पर जो जूनियर्स पढ़ते हैं ये जूनियर्स का एरिया है ब्लूम्स, जहाँ पर ये लेडी जो आपको दिख रही है पिंक कलर के सूट में, ये टीचर रह चुकी हैं जो कि मेरी मम्मा हैं, आप तो जानते ही हैं। ये है पूरा ब्लूम्स का एरिया, देखिए ये है पूरा ब्लूम्स का एरिया। और विनर होने के बाद हम जा रहे हैं, विनर होने की खुशी ही अलग है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नहीं, अभी देख लीजिएगा इंशाल्लाह हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट HPIS इज़ बेस्ट। सिर्फ यही नहीं, अभी हमें स्टेट लेवल पे भी विनर होना है और साथ में नेशनल लेवल पे भी। यही मेरी मम्मा जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं और आज भी मेरे साथ ही थी एज़ यूजुअल। तो अब हम फाइनली घर वापस जा रहे हैं और अब घर जाने के बाद मिलेंगे। या आप मेरी हालत तो देख सकते हैं कितनी बुरी हो रही है, तो अब घर जाके मिलेंगे। बाय। ओके गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं और कितने ज़्यादा खुश हैं आपको बता नहीं सकते। आज से 1 वीक के बाद हमारा कौन से लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है आज से 1 हफ्ते बाद, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे होगा, फिर नेशनल लेवल पे भी होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुशी तो आज की कुछ बता ही नहीं सकते। आखिर हम विनर टीम है भाई, खुशी क्यों नहीं होगी। बट थोड़े से और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल को जीतने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैं तो वैसे ऐसा सोच के कभी जाती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट हम करते हैं तो मैं तो अपने अंदर ये क्या बोलते हैं, हाँ ये वाली भावना रखती हूँ कि हम विनर भले ही नहीं हो लेकिन हर चीज़ से एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। मैंने इससे भी सोचा था कि कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। विनर हो नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो एक्सपीरियंस जो होता है वो शायद विनर बनने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमें आज दोनों मिले। तो मैं यही सोच के गई थी कि अगर हम विनर नहीं भी हुए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिलेगा, उनके सामने हम परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत बड़ी बात है। और लेकिन हम विनर हो गए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब जब परसों स्कूल जाएंगे तो बहुत प्राउडली कह सकेंगे कि हमने आज के कंपटीशन को जीत लिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। सबसे पहले तो हमारी जीत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारी इतने महीनों की मेहनत के लिए। हम आज जो विनर हुए वो ऐसे ही नहीं हुए, पिछले 1.5 मंथ से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा तो जब से एडमिशन हुआ मैं तो तभी से रिहर्सल पर जा रही हूँ रोज़, तो हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और इतने टाइम की मेहनत अब रंग लाई है। थोड़े से और एफर्ट्स और थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी हमें बरेली जाकर विनर बनने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें हमारी मेहनत के लिए और हमारे विनर बनने के लिए। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैंने तो एक सोलो परफॉर्मेंस भी दी थी स्पेशल उनसे बोल के, तो वो भी बताइएगा कि कैसी थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी परफॉर्मेंस थी। हाँ सही कह रही है मम्मी, मेरे अंदर है कि सिंगिंग देखकर कहीं पर भी हो मैं रुक नहीं पाती हूँ। जैसा कि शायद आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया ही था कि जब रेल कैफ़े की ओपनिंग हुई थी तो वहाँ पर भी जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा था वहाँ पर भी मैंने गाना गाया था।
शायद उसकी वीडियो शेयर नहीं की थी, बट हाँ मैंने वहाँ पर भी गाना गाया था, क्योंकि कहीं पर भी गाना बज रहा हो, लोग गाना गा रहे हो, तो मुझसे देखकर रुका तो नहीं जाता है, अंदर से एक भावना निकल के आती है, वही हुआ था। तो मेरी सिंगिंग ये बताइएगा ज़रूर ज़रूर कि कैसी है, और इस ब्लॉग को लाइक करिएगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, हालांकि ये संडे हमारा गया, लेकिन हम इसको वेस्ट नहीं बोल सकते कि आज का संडे बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। वेस्ट संडे तो ये बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, हम विनर हुए। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो, और लाइक करना मत भूलना, बस सब्सक्राइब भले ही नहीं करना लेकिन इतनी सारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है, और इतने सारे व्यूज़ होने के बाद लाइक नहीं होना उतने, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बस यूनिटी बनाए रखें, सच्चाई की बात करते रहें। मैं आपकी अपनी जूनियर रिपोर्टर मन्नत सिद्दीकी फ्रॉम सच्चाई की बात मन्नत के साथ, बाय।